हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारी पहली सुबह है हिमाचल प्रदेश में और आज हम यहाँ पे रात को 12 बजे पहुँच गए थे। आज सुबह हम जल्दी उठ गए, सबसे पहले हम ही उठ गए। और आज है मेहंदी की रस्म है, अभी हम नहा धो के सब तैयार हो गए हैं। अभी हम नाश्ता करके थोड़ा देख रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम के आते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ते में यहाँ पे पराठा है, आलू का पराठा और दही और चाय। यहाँ के खाने पंजाबी और यहाँ के से थोड़े मिलते जुलते खाने ऐसे। तो अभी मेहंदी वाले भैया आने वाले हैं दुल्हन को मेहंदी लगाने, और रस्म तो शाम को होगी लेकिन मेहंदी तो खैर अभी लगेगी। तब तक तो हम जा रहे हैं थोड़ा नज़दीक में, यहाँ पे ग्राउंड है जो यहाँ का बहुत फेमस ग्राउंड है सुजानपुर का, तो अभी हम वो देखने जा रहे हैं, फिर देखते एक दो घंटे में घूम के आएंगे। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से पैदल ही चल के जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ 5 या 7 मिनट का रास्ता है, तो हम ऐसे चल के जा रहे हैं देखते हैं रास्ते में देखते हुए। काफ़ी खुशी हो रही है। बड़ा ग्राउंड है, पूरे हिमाचल में काफ़ी सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे मेला लगता है, नेशनल लेवल का मेला लगता है और एग्जीबिशन लगता है ये मैदान के अंदर। जो भी पॉलिटिक्स का जो भी रैली होता है यही मैदान में होता है। ये कुछ गवर्नमेंट का ऑफिस है, पर ये मंदिर है और पास में सैनिक स्कूल है। ये राउंड है पूरा मैदान, और ये पूरे राउंड में ही पूरा सिटी बोलते हैं, पूरा सिटी बसा हुआ है। ये पूरा हम मैदान का गोल घूम लेंगे तो ऐसे मेरा मन भी बहुत खुश होता है। यहाँ से हम किसी ने बताया कि राजा संसार यहाँ हवेली है, यहाँ से 10 मिनट दूरी पर मैदान में जा सकते हैं क्योंकि बस से मतलब 10 मिनट लगेगा। ये हम पहुँच गए हैं सुजानपुर का जो गार्डन मैदान था वहाँ से, यहाँ का किराया सिर्फ 5 रुपया है। और ये मैदान, ये हवेली काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से वो मैदान भी दिख रहा है, यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है। सुजानपुर जो शहर है पूरा शहर दिख रहा है। गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है वो भी यहाँ दिख रही है। और ये हवेली है आप देख सकते हैं, 700 या उससे भी पुरानी हवेली है ये, 700 साल के भी पहले की हवेली है ये। यहाँ पे कहीं से भी देखिएगा यहाँ के पहाड़ के व्यू बहुत अच्छे हैं, ग्रीन पहाड़, फिर वो ब्लैक वाला मतलब पत्थर का पहाड़, फिर सफेद पहाड़, तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो है ना वो काफी सुंदर लगता है। ये मंदिर 700 साल पुरानी मंदिर है, ये ज्वाला माता देवी जो है यहाँ की कुल देवी उनका मंदिर है। ये राजा ने अपने महल में बनवाया था क्योंकि वो यहाँ की कुल देवी है। और ये मंदिर भी काफी सुंदर है और यहाँ से भी नज़ारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ के सब जो गांव वाले हैं वहाँ ये गांव की कुल देवी है। प्रसाद क्या खा रही हो? हिंदी नहीं आती हाँ? हिंदी बाय, वापस बाय करो, बाय बाय करो, बाय।
आ जाओ। हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, हमें किसी ने बताया है कि जस्ट नीचे की तरफ ही कृष्ण जी का भी एक बना हुआ है, ये चार धाम है। यहाँ भी सिर्फ सब कृष्ण की लीलाएं हैं, उन्होंने जो जो किए थे बचपन से लेके उन्होंने जो अर्जुन को उपदेश दिया था वहाँ तक का जो उनका घटनाक्रम है वो सारा यहाँ बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। बांसुरी का प्रतीक कृष्ण सुदामा जी का की मित्रता देखिए, भगवान देखने में सुदामा जी के पास है, वो अद्भुत दृश्य। महाराजा द्वारा बनाया गया यह ताल काफी गहरा है, ये कम से कम 40 फुट है। ये बना गए क्या, सिर्फ कुछ बोलोगे नहीं चलेगा। पूरा भगवद गीता का जो पूरा अध्याय है यहाँ बुक के जैसे बना के पूरा ऐसे लिखा हुआ है, यह इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर बारिश भी होगी तो भी कुछ खराब नहीं होगा। काफ़ी सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। वेज है ये पूरी तरह से, अभी हम घर पहुंच गए हैं, फिर आपके खाने की तैयारी हो रही है क्योंकि यहाँ पे इसकी सब्जी बनेगी और तीन चार पांच टाइप के दाल बनेंगे। यहाँ पे आज पूरे गांव वाले को इनविटेशन है क्योंकि आज यहाँ पे जिस दिन मेहंदी रहता है उस दिन पूरे गांव वालों को खाना खिलाते हैं, फिर शादी के दिन उनको नहीं, शादी के दिन गाँव वालों को इन्विटेशन नहीं रहता है। ये देखिए पीतल का हंडा है, इसमें सब दालें बन रही हैं और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। सिर्फ चावल और दाल के फ्राइड रेडी हो चुके हैं। इनका डांस है और पूरे जो गांव के लोग आएंगे उनको जो भी शादी में गिफ्ट देना है या मेहनत देना है वहाँ से यहाँ पे लिखा जाता है घर के। काम भाई देंगे सबको भाई भाई।
सबकी शादी में बांटते ना, लड़का लड़की दोनों के ना। हम खाना भी खा रहे हैं, एक तरफ डांस चालू हुआ है, एक तरफ अंदर लेडीज जो है वो बना रही है, जो गांव में बांट रही है। आ गया ना, मेरा दिल पुकारे, मेरे चकला।